नमस्कार दोस्तों, मुंह में रखने मात्र से जो होगा सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, सभी रसदार फलों में चकोतरा सबसे बड़े आकार का फल है, जो कि हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। चकोतरा संतरे की ही प्रजाति का फल है और संतरे की अपेक्षा इसमें सिट्रिक एसिड के जो अम्ल होती हैं अधिक होती हैं, शर्करा कम होती हैं। इसके अंदर का गूदा पीले और गुलाबी रंग की होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, स्वरूप यह एक प्रकार का नींबू होता है। इसके जो स्वभाव होता है, प्रकृति होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। तो 3 से 4 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। चकोतरा से मिलने वाले जो फायदा बताऊंगा, अभी तक के शायद आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं होती। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। जानकारी जो होती है हमेशा फायदे ही पहुंचाती है। हो सकता है आज मैं आप लोगों को चकोतरा के माध्यम से जो आयुर्वेदिक फायदा बता दूं, ये में चल करके आपको काम है। तो दोस्तों, जो चकोतरा होता है ये मधुमेह की बीमारी को सबसे पहले ठीक करने का काम करते हैं। जी हाँ, मधुमेह के रोगी को चकोतरा का अवश्य उपयोग करना चाहिए। इससे शरीर में स्टार्च की मिठास और वसा में कमी आती है। इससे शरीर में मधुमेह पर नियंत्रण रखने में मदद मिलते हैं। यह भूख को भी काफी बढ़ाता है। इससे पहले दोस्तों इसका बहुत सारा फायदा बताऊंगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप सभी मित्रों को फ्री में हम सिखाते हैं। बुखार में भी अगर बुखार में प्यास लगने पर चकोतरा के रस का थोड़ा सा पानी में मिला करके पिया जाए तो बुखार दूर हो जाता है और अधिक प्यास लगना बंद हो जाते हैं। मलेरिया है तो मलेरिया के बुखार में चकोतरा का रस पीना काफी लाभकारी रहता है। जुकाम है तो जुकाम से बचने ले चकोतरा का सेवन करना बहुत ही उपयोगी होता है। इसके साथ ही मित्रों, शरीर की थकावट दूर करने के लिए चकोतरा के रस में समान मात्रा में नींबू का रस मिला करके पीने से शरीर की थकावट दूर हो जाती है। पेशाब रू रू करके आते हैं तब भी आप इसमें चकोतरा का प्रयोग कर सकते हैं। चकोतरा का रस निकाल करके पीने से पेशाब रुक रुक के आते हैं, बंद हो जाते हैं। दमा व सांस रोग में चकोतरा के रस का शरबत बना लें। यदि सर्दी या बरसात का मौसम हो तो पानी मत मिलाएं और अकेले ही शरबत को चाटते रहें। इसका रस 5-5 ग्राम की मात्रा में 8 दिनों तक रोगी को देने से यदि खांसी बलगम से ज्यादा परेशानी हो तो आम की गिरी के चूर्ण 5 ग्राम की फंकी चकोतरा के शरबत के चाशनी में मिला करके चाटाएं। गर्मी में इसके रस में मटके का पानी मिला करके शरबत बना करके पीने से खांसी नष्ट हो जाती है, दम भी समाप्त हो जाती है। काली खांसी है तो आधा से एक चम्मच महानींबू चकोतरा के पत्ते का रस सुबह शाम साथ के साथ रोगी को देने से जो खांसी होती कुकुर खांसी वह मिट जाती है। या महानींबू बिजोरा नींबू से भी थोड़ा बड़ा होता है, 6 से 8 इंच के व्यास वाला होता है। इसके साथ ही दोस्तों, उंगलियों का कांपना दूर करने के लिए 10 से 20 मिलीलीटर महानींबू चकोतरा के पत्तों का रस सुबह शाम सेवन कराने से उंगलियों का कांपना बंद हो जाते हैं। गठिया रोग दूर करने के लिए, गठिया के रोग को दूर करने के लिए नींबू, संतरा, मौसम्बी, चकोतरा आदि फल का रस का सेवन करना काफी लाभकारी रहता है। तो ये थे चकोतरा से मिलने वाले गजब के फायदे, जो कि आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।